स्टूडेंट्स, दिस इज अरुण मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से पहले हमने हमारे दो टॉपिक ऑलरेडी देख लिए हैं, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, और जो हमारे सेल वॉल्स थे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था हमने वो भी देखा था उससे, और उनसे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो आप वापस से पूछ लें। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो न्यूक्लियस है। क्या है न्यूक्लियस? देखें, न्यूक्लियस हैज डबल लेयर कवरिंग। न्यूक्लियस में क्या होता है, डबल लेयर कवरिंग होती है, चारों तरफ क्या होती है, डबल लेयर लगी हुई होती है, जिनको बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स। उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो मटेरियल को बाहर या अंदर जाने देने का काम करेंगे। विच अलाउज द ट्रांसफर मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। तो क्या कर रहे हैं, मटेरियल को बाहर या अंदर की तरफ जाने के लिए अलाउ कर रहे हैं। दैट इज साइटोप्लाज्म। वो क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म ही होते हैं। नेक्स्ट अपने पास, द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम विच आर विजिबल एज रोड शेप्ड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, अपने पास क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो एक रोड के जैसे स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं। रोड जैसे कि अपन जो नॉर्मल जो रोड होती है लंबी, उसके रूप में दिखाई दे सकते हैं अगर अपन न्यूक्लियस को देखेंगे तो। क्रोमोसोम्स कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस। यानी कि अब क्या है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो क्या करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाने वाली, उसको क्या करते हैं, जनरेशन से जनरेशन आगे पहुंचाने के लिए जो पहुंचाने का काम होता है न्यूक्लियस के थ्रू, वो क्रोमोसोम करते हैं। अब वो क्रोमोसोम किस तरीके से करते हैं, वो डीएनए की फॉर्म में करते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर कंडक्टिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो क्या करेगी, हमारे पास नई आने वाली जो जनरेशन होगी उसमें पेरेंट्स की जो जनरेशन है उससे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का काम करेगी। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर जीन्स। जीन्स के जो, यानी कि डीएनए के जो फंक्शनल सेगमेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जीन्स। देखो आपके समझने एक बार, डीएनए क्या है, मतलब जो पेरेंटल इंफॉर्मेशन को आने वाली जनरेशन में पहुंचाने का काम कर रहा है जीन्स के रूप में, वही होता है डीएनए। तो नेक्स्ट देखें, द न्यूक्लियस प्लेज ए सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ये क्या करता है, न्यूक्लियस जो क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जब रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन यानी कि जो नई जनरेशन बनती है, जो नई जनरेशन को उसकी इंफॉर्मेशन जो, मतलब उसमें जो इंफॉर्मेशन होगी या जानकारी होगी जो उसके पेरेंट के थ्रू उसमें जाएगी, उनको पहुंचाने का काम न्यूक्लियस करता है, और इसलिए ये क्या कर रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका या इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। नेक्स्ट देखें, सच ऑर्गेनेल हू सेल लैक ऑफ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। यानी कि ऐसे सेल्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें जो सेल्स पाई जा रही हैं उनमें अगर अपने पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है या फिर कमी है उसकी, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, प्रोकैरियोट्स। अदरवाइज ऑर्गेनिज्म विच सेल हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकेरियोट्स। दूसरे जो अपने पास ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें अपने पास सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है उनको क्या बोल रहे हैं, यूकेरियोटिक। द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेनस वेसिकल। यानी कि जो क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है वो जो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स में अवेलेबल होता है। क्लोरोफिल जो हमारे पास जो हरी पत्तियों में पाया जाता है वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं या बैक्टीरिया होते हैं उनके साथ में जुड़ा हुआ होता है और उनके उनमें पाया जाता है। और जो उनके अंदर जो होती है अपने पास मेम्ब्रेन वेसिकल जैसे स्ट्रक्चर बने होते हैं। मेम्ब्रेन वेसिकल क्या होती है, एक बैग के जैसा स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, बट नॉट विद प्लास्टिड एज इन यूकेरियोटिक सेल। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे यूकेरियोटिक सेल में क्या होता है, प्लास्टिड जुड़ा हुआ होता है, प्लास्टिक की तरीके से नहीं जुड़ा हुआ होता है। जिस तरीके से यूकेरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें प्लास्टिड अवेलेबल होता है, उसी तरीके से यहाँ पे प्लास्टिड अवेलेबल नहीं होगा। इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं न्यूक्लियस के। अब यहाँ पे देखें, जो
प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियोइड पाया जा रहा है वो क्या है, बीच बीच में गोल स्ट्रक्चर है वो क्या है, न्यूक्लियोइड। जो अपने पास प्रोकैरियोटिक सेल होती है डबल बाउंडेड होती है, डबल्स जो इनके ऊपर बाउंड्री लगी होती है या फिर डबल मेम्ब्रेन होती है। एक तो है जिसको बोल रहे हैं सेल वॉल बाहर वाली को, इसके अंदर वाली जो लेयर है उसको क्या बोला जा रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंदर कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं उनको क्या बोल रहे हैं, राइबोसोम्स। और इसके जो है कुछ मतलब धागे जैसे स्ट्रक्चर इसके चारों तरफ बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। तो ये तो बात थी प्रोकैरियोटिक सेल की और न्यूक्लियस वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इसके बाद आ रहा हमारे पास जो टॉपिक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म देखें, द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो लिक्विड अवेलेबल है या फ्लूइड के रूप में जो पदार्थ अवेलेबल है उसको क्या बोल रहे हैं हम, साइटोप्लाज्म। इट ऑल्सो कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स। इट ऑल्सो कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स, ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स परफॉर्म अ स्पेशलाइज्ड स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। इसमें क्या होता है ऑर्गेनेल्स, कुछ विशेष प्रकार के ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं और हर ऑर्गेनेल्स क्या कर रहा है, एक विशेष प्रकार का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर है तो फिर वो सारे ऑर्गेनेल्स क्या होंगे, अलग अलग फंक्शन को भी परफॉर्म करने का काम करेंगे। नेक्स्ट देखें, इन प्रोकैरियोटिक बिसाइड्स द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर फिशन द मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स आर ऑल्सो एब्सेंट। जैसे प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं या ऑर्गेनिक होते हैं उनमें क्या होता है, जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल भी एब्सेंट होती है, न्यूक्लियर फिशन तो ऑलरेडी नहीं होता है जो अपन ने देखे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल भी नहीं पाई जाती है। बट यूकैरियोटिक में जस्ट इसका अपोजिट होता है, यूकैरियोटिक अपने पास सेल्स होती हैं तो यूकैरियोटिक सेल्स उसमें क्या है, न्यूक्लियर रीजन भी अवेलेबल होता है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल भी दोनों अवेलेबल रहती हैं। तो इस तरीके से हमारा साइटोप्लाज्म वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। और इसके आगे जो हमारे कुछ डिफरेंस हैं जैसे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है तो इसको हम देखेंगे। फिर बाद में कुछ जो हमारे टॉपिक बाकी रह रहे हैं इस चैप्टर के उसको भी कंप्लीट करेंगे। और यहाँ तक आप लोग कंप्लीट पढ़ लें और इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रह जाए आपको तो फिर वापस से पूछ लें। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है, आगे के जो टॉपिक हैं हम हमारी आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके जो नोट्स हैं आपको डेली के वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से देख करके आप नोट कर लें।